छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। नरेंद्र मोदी जी, हमारे पंत प्रधान, इनकी बातों से सच्चाई झलकती है, वो सच्चे हिंदुस्तानी है। आप उन्हें सुनिए, देखिए और खुद समझ जाइए। हम हिंदुस्तानी। कि मेरे देश के हर किसी व्यक्ति तक, मेरे राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंचने का मुझे प्रामाणिक प्रयास करना चाहिए। उसमें मुस्लिम समुदाय भी शामिल है। मैं ये आपकी टर्मिनोलॉजी, इस टर्मिनोलॉजी में कभी जाने वाला नहीं हूं। आप रस्सी बांध करके मुझे ले जाओगे तो भी नहीं ले जा पाओगे। मैं मेरे देशवासियों को मिलूंगा। मैं एक ही भाषा समझता हूं, ये मेरे भारतवासी हैं, ये मेरे भाई हैं। ये आप जिस कलर से देखना है आपकी मर्जी, मोदी उस कलर में जाने वाला नहीं है। ये काम कल में जो चुनाव हार जाओ तो हार जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन देश को तबाह कर दिया, इस भाषा ने बर्बाद कर दिया है, आप लोगों ने सोचने, उस सोच को मैं कभी भी ओन नहीं करूंगा। और आप मेहरबानी करके मेरी स्वतंत्रता पर इस प्रकार से हमले करना बंद कर दीजिए। मोदी जी, जब 2002 के दंगों की बात आती है और हमेशा आपसे ये अपेक्षा होती है और आप इसका कई बार, सैकड़ों बार जवाब दे चुके हैं कि मैं उसके बारे में उस वक्त बोल चुका हूं जो मुझे बोलना है 2002 में। सब कुछ बोलता हूं, ऐसा नहीं, झूठ बोल रहा है। मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। मैं 2007 तक हर व्यक्ति को हर सवाल का हर समय जवाब दिया है। प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा है। आप लोग इसको रिसर्च कीजिए, आपको बुरा लगे भुला लगे, और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे। हां, 2007 में जब दोबारा यूपीए बना और उन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट कचेरियों में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीट के, फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र करना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री को 9 घंटे किसी पुलिस वाले ने ग्रिल किया है? ये मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे तक पुलिस अफसरों ने ग्रिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा था। ये सब कसौटियों से निकला हूं और आगे भी हर कसौटी के लिए तैयार हूं। लेकिन झूठ और राजनीतिक इरादों को सरेंडर कोई करे तो मोदी होने वाला नहीं है।